नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी को फिर से एक न्यू वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और स्पेशली हमारा आज का वीडियो जो बनेगा, जो सस्पेंसर होता है, सस्पेंसर को हाइट कैसे बढ़ाते हैं, जो हमारी कई बार क्या होता है कि हमारी कार में हम लोग अलग से टायर लगवाते हैं जो एलाइविल वाला होता है। तो एलाइविल वाला टायर लगाने के बाद हमारा जो चेचिस होता है, जो ये टच होने की वजह से हम लोग बहुत दिक्कत होता है और इसमें कई बार रगड़ता है। तो इसी का मतलब प्रॉब्लम आज हम दूर करेंगे इस वीडियो में। तो एक आता है अलग से लगाने के लिए, ये वाला जो सस्पेंसर देख रहे हैं ना, पीछे की तरफ सस्पेंसर रहता है ये वाला स्प्रिंग वाला, इसमें आता है एक बफ रबड़ आता है, बफर रबड़। तो उसमें उससे क्या फ़ायदा होता है कि देखिए, अगर वो आपने कार में लगाना है ना तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, वो ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ाता है। मुझके हिसाब से बहुत ज़्यादा हाइट बढ़ाएगा तो लमसम 1 इंची का हाइट ज़्यादा बढ़ाता है, ठीक है ना। तो उसको लगाने से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। हाँ, अगर मतलब 1 इंची आपको हाइट बढ़वाना है तो आप लगा सकते हैं, जो आगे भी लगा सकते हैं और पीछे की तरफ भी जो टायर है उसमें भी लगा सकते हैं, इस सस्पेंसर में लगता है। तो ये वाला आगे की तरफ आप सस्पेंसर देखते होंगे, ये वाला जो स्प्रिंग है ना इसी में लगता है बफर रबड़। अगर आप लोग नहीं जानते होंगे, अगर उसका नाम भी नहीं जानते होंगे, वो प्रोडक्ट जो बता रहा हूँ वो भी आप लोग नहीं जानते होंगे, तो इधर साइड में स्क्रीन पर दे दूंगा, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो वो अगर लगाना है तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ता है। आप लोग सोचते होंगे कि मतलब ज़्यादा हाइट बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ेगा। बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाएगा हाइट ना, तो अधिक से अधिक 2 इंची तक पड़ जाएगा। वो भी बाद में क्या होता है कि फिर बाद में वैसे ही जहाँ जितना हाइट रहता है ना कार का, वैसे ही हो जाता है। वो ज़्यादा दिन चलता नहीं है, रिस्पॉन्स ज़्यादा नहीं मिलता है, हल्का से रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। और सस्पेंसर मतलब थोड़ा हाइट, मतलब जो है ये वाला जो हाइट है ना, ये वाला जो दूरी है, इसको थोड़ा मतलब ज़्यादा नहीं, आप देख सकते हैं इसमें फ़िलहाल में हमारे 3 और चला जाएगा, 7 अंगुरी जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर उसको लगा लेते हैं तो मुश्किल से 8 अंगुरी मतलब 1 इंची या 0.5 इंची के फर्क होता है। तो अगर वो प्रोडक्ट की बात करूँ तो प्रोडक्ट कोई खास मांगा नहीं आता है, लमसम आपको 1200 से 1300 के आसपास में मिल जाएगा दो प्रोडक्ट, जो पीछे की तरफ या आगे की तरफ लगा सकते हैं। और टिकाऊ की बात करूँ तो काफ़ी दिन चलता नहीं है, लमसम आपका 6 महीना चल जाता है, वही बहुत है। 6 महीने के बाद वो फिर ख़राब हो जाता है और ख़राब होने के बाद फिर नया डलवाना पड़ता है। तो उससे लगाने से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। और आप सोचते होंगे कि हमारा जो चेचिस है थोड़ा ज़्यादा उठ जाएगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। और बहुत आदमी कहते हैं उठता है, हाँ ठीक है उठता है, कोई ज़्यादा खास नहीं उठता है। हम भी उसको ट्राई मारे हैं, आज हमारे एक सब्सक्राइबर जो है मतलब कमेंट हमारे पास कल की किए हैं, तो आज देखें तो बता रहे थे कि मतलब ये लगाने से क्या फ़ायदा होगा कि नहीं। तो अगर आप लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, 1 इंची का फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना। 1 इंची मतलब एक और बात, अगर आपको लगाना हो तो कहाँ लगाएंगे हम, यहाँ पर आपको दिखा दो क्लियर। ये वाला जो स्प्रिंग देख रहे हैं ना, ये वाला जो स्प्रिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर भी वो अटैच होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लगाना हो तो दोनों साइड लगाएंगे, और ये वाला जो टायर है इसमें भी लगाएंगे, उधर भी जो है उसमें भी लगाएंगे सस्पेंसर में, ठीक है ना। तो इसमें लगा लीजिएगा आप। और लगाने से पहले क्या करिएगा कि हल्का सा जो हम लोग साबुन थोड़ा मतलब गाज निकाल कर फोम बनाकर इसमें साफ कर लीजिएगा, और उसके बाद से लगाइएगा स्मोक, वो लग जाएगा। अगर ऐसे लगाएंगे तो फिर आपको समस्या होगा लगाने में। आप हल्का सा साबुन गाज बनाकर यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद लगाएंगे तो ईजिली लग जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, तो हम मतलब काफ़ी जो मिस्त्री हैं उनसे भी पूछताछ किए और अपने तरह से मतलब हम पूरा बायोडाटा उसका निकाले, तो फिर बाद में मालूम चला कि ज़्यादा उससे कोई फ़ायदा होता नहीं है। बाद में 6 महीना या 5 महीने के बाद फिर अपना जो अपना जगह होता है उसी जगह पर अपनी जो कार है आ जाता है, उसको लगाने से कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है ना। आप लोग सोचते होंगे कि ज़्यादा हाइट बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसको अगर चाहिए तो वो वाला लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से परचेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि अगर अपना जो सस्पेंसर है उसको हाइट बढ़वाना चाहते हैं तो उसको लगा सकते हैं, और ज़्यादा का फ़र्क नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा इस इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।